दोस्तों पिछली वीडियो में हमने टॉप 5 सबसे खतरनाक हैकिंग अटैक्स के बारे में जाना, जिनमें कुछ ऐसे हैकर्स भी थे जिन्होंने अपने बचपन में हैकिंग की ऐसी ट्रिक्स सीख ली जिन्हें लोग अपने पूरे करियर में भी नहीं सीख पाते। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ मूवीज के बारे में बात करूंगा जिनमें आपके फेवरेट यानी कि हैकर्स की पूरी जिंदगी के बारे में दिखाया गया है, कैसे कैसे एक हैकर या कहे एक एनोनिमस इंसान आम आदमी से बिल्कुल हटके दुनिया को देखता है। एनोनिमस बनने से पहले, एनोनिमस बनने के बाद एक इंसान के लिए दुनिया कैसी हो जाती है। ध्यान रखें, मेरी बनाई गई ये टॉप 5 मूवीज की लिस्ट सिक्वेंस वाइज है, जिसका मतलब अगर आप लिस्ट में मौजूद लास्ट की 3 मूवीज देख लेते हो तो मुझे यही कमेंट सेक्शन में धन्यवाद कहकर जाओगे। इसीलिए अपनी तशरीफ टिका लो और इस वीडियो को अंत तक देखो। नंबर 5, मिकी वायरस। दोस्तों ये मूवी हमारी लिस्ट में एक लौती इंडियन मूवी है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। ये मूवी फ्री में YouTube पर भी अवेलेबल है। ये मूवी पूरी तरह हैकिंग पर आधारित है। इस मूवी में 5 दोस्त होते हैं जो हैकिंग में माहिर होते हैं और उन्हीं में से एक दोस्त मिकी, जिसके नाम से ये मूवी है, उसे पुलिस के साथ साइबर अटैक क्राइम के सुलझाने का काम मिलता है। पर मिकी मौज मस्ती में अपना काम करता है, एक दिन उसे पता भी नहीं चलता और गलती से वह बैंक अकाउंट हैक करके चोरी कर लेता है। आगे क्या हुआ, कैसे वो इस मुसीबत से बच पाया, ये आप पूरी मूवी में ही देखें। ये मूवी बॉलीवुड स्टाइल में एक कॉमेडी मूवी है जिसे देखते हुए एक चीज पक्का है कि आप बोर नहीं होंगे। नंबर 4, एनोनिमस। दोस्तों ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई एक बेहद रोमांचक मूवी है जिसमें आपको दबा के मजा आएगा। यह मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। ओवरऑल फिल्म की कहानी, कैरेक्टर्स और सीन सब परफेक्ट हैं। इस मूवी में एलेक्स नाम के इस लड़के की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने के कारण वो इलीगल काम करने लगता है और एक साइबर क्रिमिनल ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। यह ग्रुप करप्ट बैंकों से मिलियंस ऑफ डॉलर चुराने की कोशिश करता रहता है। गाइस फिल्म काफी मजेदार है, ज्यादा पुरानी न होने की वजह से फिल्म के ग्राफिक्स बेहद शानदार है और आपको इसे जरूर देखना चाहिए। नंबर 3, ब्लैक हैट। दोस्तों ये मूवी 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन, टेक्नो और थ्रिलर मूवी है। ये मूवी मेरे फेवरेट एक्टर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ की है, जिसने थॉर मूवी में भी बहुत नाम कमाया है। इस मूवी में क्रिस ने एक निक नाम के लड़के का रोल किया है। निक को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसके एक हैकिंग कोड को टेररिस्ट के साथ जोड़ा जाता है। मूवी में एक टाइम आता है जब निक पुलिस की मदद करने लगता है, जिसके कारण वो अमेरिका और चाइना की लड़ाई में फंस जाता है। मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए जरूर देखें। नंबर 2, Who Am I? दोस्तों अब आती है ये मूवी। ये फिल्म अब तक बनी सबसे बेस्ट हैकिंग फिल्म है। सस्पेंस से भरे होने की वजह से आप इसे देखते हुए एकदम खो जाएंगे। 2014 में रिलीज हुई इस मूवी में एक ऐसे लड़के को दिखाया गया है जो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का है। इसने कभी अपने पिता को नहीं देखा और बस 8 साल की उम्र में डिप्रेशन में चले जाने के कारण वह अकेला रहता था, जिससे उसे लगने लगा कि इस असली दुनिया में उसकी कोई अहमियत नहीं है, उससे कोई प्यार नहीं करता, पूरी दुनिया बस उसका मजाक उड़ाना चाहती है, वो एकदम जीरो है, जिसके कारण वो हमेशा अपने रूम में रहकर अपना पूरा समय इंटरनेट पर बिताता था। इंटरनेट ही एक ऐसी जगह थी जहाँ उसे खुशी मिलती थी। उसका लगाव इंटरनेट से इतना बढ़ गया कि वो डार्क वेब में खो गया, इंटरनेट की अंधेरी दुनिया। वहाँ उसकी मुलाकात उसके पसंदीदा इंसान से होती है। उससे इंस्पायर होकर वो अपना खुद का एक क्ले नाम का हैकिंग ग्रुप बनाता है और उसके बाद वो इतना खतरनाक हो जाता है, जिसे देखने के लिए आपको ये मूवी पूरी देखनी चाहिए। सीरियसली ये मूवी बहुत ज्यादा शानदार है, इसीलिए जरूर देखें। नंबर 1, अनफ्रेंडेड डार्क वेब। दोस्तों डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा काला हिस्सा है जहां पर बहुत से इलीगल काम होते हैं। आप में से 90% लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैंने डार्क वेब पर एक पूरी सीरीज बनाई है जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। इस मूवी में डार्क वेब के बारे में बताया गया है, डार्क वेब में क्या होता है, कैसे वहाँ लोग फंस जाते हैं। इस मूवी में भी यह सारे लोग डार्क वेब को सर्व करते हैं। मूवी में एक हैकर को भी दिखाया गया है जो इनके साथ एक गेम खेलता है और ना खेलने पर मौत। दोस्तों मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा डरावनी भी, इसीलिए अगर आप कमजोर दिल के व्यक्ति नहीं हो तो मैं कहता हूँ ये मूवी जरूर देखें। अब
अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप चाहे तो मुझे इसी चैनल के नाम से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ अब मैं फेस कैम वीडियोस और फोटोज भी डालने लगा हूँ। आप चाहे तो वहाँ मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। और एक और चीज, आर्ट्स लवर जरूर से एंकी आर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक से एक आर्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप चाहे तो आप वहाँ अपनी खुद की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक बाय।